तो जैन साथी हो तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपने कैसे भरना है जो कांस्टेबल जीडी सेंट्रल आर्म फोर्सेस के अंदर जितनी भी वैकेंसीज हैं इनके लिए आपने ऑनलाइन कैसे भरना है तो जब इस आप इस एसएससी के स्पेस पे आ जाओगे रजिस्ट्रेशन के बाद जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने लगोगे सबसे पहले वो कैंडिडेट नेम भरना है उसके बाद आपका अगर नाम चेंज है आपका कर रखा तो आपका नाम चेंज कर वो वाला नाम भरना है उसके बाद आपका फादर्स नेम भरना है मदर्स नेम आपने भरना है उसका डेट ऑफ बर्थ आपने अपने फिल करनी है एज आपने फिल करनी है अपने जेंडर आपने फिल करना है मेल हो फीमेल हो कैटेगरी फिल करनी है एस सी एस पर गलती नहीं करनी है अपने इस फॉर्म को भरते टाइम दोस्तों जो चीज़ें बता रहा हूँ उसी तरह से आपने यहाँ पर क्या है फिल करनी है आई होप वीडियो आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा और मार्क ऑफ विजिबिलिटी आइडेंटिफिकेशन जो है आपकी वो आपने यहाँ पर भरनी है ठीक है उसका एजुकेशन क्वालिफाइन टेंथ का जो आपका एग्जामिनेशन बोर्ड का है वो कौन से एग्जाम से ए, कौन से उससे बोर्ड से किया वो यहाँ पर भरना है जैसे गोवा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन है या सी बी सी है या जैसे भी आपका है वो आपने भरना है इसके बाद आपने रोल नंबर यहाँ पर भरना है ठीक है रजिस्ट्रेशन करने के लिए उसको उसके बाद आपने टेंथ का कब पास किया वो यहाँ पर ईयर भरना है उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हो तो एक्स सर्विसमैन नहीं है वो तो नो करना है ठीक है उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग सोज so, आपने यहाँ पर अगर ज्वाइन कर रखा है अगर आपने डेट ऑफ इंडियन आर्मी से रिटायरमेंट हो अगर आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग है वो यहाँ पर भरनी है डिस्चार्ज डेट यहाँ पर भरनी है लेंथ ऑफ सर्विस की टोटल सर्विस किया वो तो यहाँ तो पर भरनी है ठीक है बाकी यू हैव ऑलरेडी अगर आपने ऑलरेडी ज्वाइन रखा कोई यहाँ पर आने के बाद रिटायरमेंट का काम तो यस करना है अन्यथा नो करना है अगर कुछ भी ज्वाइन नहीं किया आने के बाद आपने डेट ऑफ़ ज्वाइनिंग सिविल पोस्ट अगर ज्वाइन करी तो यहाँ पर उसकी डेट डालनी है रिलेक्सेसन एज ऑफ रिलेक्शन एक्स को यस करना है बाकी अदर्स को जिसको नहीं है उसको नो करना है एस सी है तो आपको यस करना है ठीक है ना एज ऑफ रिलैक्सेशन में आपने वन में एस एस होगा नहीं तो कुछ और होगा वो इसमें अंदर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा आपको देखने को यू आर एन एन सी कैडेट है तो यस yes करना है नहीं है तो नो no करना है टाइप ऑफ एन क्या है बी सर्टिफिकेट बी ए है तो ए और सी है तो सी ठीक है ना वो आपने यहाँ पर भर देना है ऐसे प्रीफ्रेंस किस कौन से देनी है एग्जामिनेशन से आप एग्जामिनेशन सेंटर से, से, कौन सा अपने लिए प्रीफ्रेंस करना चाहते हो नजदीक में वो यहाँ पर फर्स्ट सेकंड थर्ड में अपने अलग अलग भर देना है जो आपके नियर बाई होंगे यहाँ पर आप एग्जाम देना चाहते हो उसके बाद अपने कंप्यूटर एग्जाम आपने सी बी जो बेस्ड एग्जाम है सी बी बेस्ड एग्जाम वो कौन सी लैंग्वेज में देना चाहते हो इंग्लिश में तो इंग्लिश यहाँ भर दो हिंदी में देना चाहते हो हिंदी भर दो दोनों को आपने यहाँ पर सेम भरना तो है ठीक है ना उसके बाद आपने आपकी स्टेट वेरीफाई करनी है स्टेट कौन सी है आपकी जो भी आंध्र प्रदेश है आंध्र प्रदेश यूपी है तो यूपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश यहाँ पर आ जाएगा दोनों में वही आ जाएगा इसको वेरीफाई भी करना है स्टेट को उसका डिस्ट्रिक्ट आपने सेम दोनों में भरनी है ठीक है उसके बाद आपका यहाँ माइग्रेशन माइग्रेट फ्रॉम द स्टेट अगर किसी स्टेट से माइग्रेट हो तो यस करना है नहीं तो नो करना है आपने है ना ठीक है ना उसके बाद आपने वेयर यू वुड लाइक टू बेनिफिट अगर आपने रिजर्वेशन में कोई बेनिफिट ले लिया है तो उसको यस करना है नहीं तो नो करना है अदरवाइज ठीक है उसके बाद आपने स्टेट ऑफ यूटी क्या करना है जो आपका स्टेट ऑफ यूटी ओरिजिन है जो भी है गोवा है तो गोवा भरना है उसके डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओरिजिन कौन सा है गोवा है नॉर्थ गोवा है जो भी है वैसे आपने भर देना है उसके बाद आपने कैंडिडेट बिलोंग्स कहाँ से मिलिट्री या नेक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट से करता तो यस करना है अदरवाइज नहीं करता तो नो करना है कैंडिडेट बिलोंग्स टू बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते तो यस करना है अन्यथा नो करना है ठीक है ना प्रीफ्रेंस किसको देना चाहते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन को वो आपके यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी है वो आपने पोस्ट डिटेल्स यहाँ पर देख लेना पोस्ट डिटेल में आपको सारी चीज यहाँ पर मिल जाएगी तो उसमें आपने प्रेफरेंस देख देना सबसे पहले आपको किस में प्रेफरेंस देना है ठीक है हाईएस्ट एजुकेशन यहाँ पर आपने एम बी ए तो एम बी ए जो भी है वो यहाँ पर भर देनी है आपने उसके बाद टेंथ स्टैंडर्ड से आपने क्वालिफिकेशन टेंथ स्टैंडर्ड यहाँ भर देना है ठीक है उसके बाद अपने स्टेटस यहाँ पर पास्ट भर देना पासिंग ईयर अपना भर देना है यहाँ पर आपका बोर्ड आ जाएगा यहाँ पर आपका नेम ऑफ यूनिवर्सिटी आ जाएगा रोल नंबर आपका यहाँ परसेंटेज यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर आपका ग्रेड आ जाएगा लास्ट में ठीक है इसके बाद आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पर आप देना चाहते हो किसी को तो वो आपने यहाँ पर क्या भर देनी है नहीं देना चाहते हो नो कर देना है एड्रेस यहाँ पर आपका कोरोस्पॉेंस एड्रेस ऐसे आ जाएगा यहाँ पर यहाँ पर पूरा जैसा आपने ऊपर भरा होगा उसके बाद अपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है वो यहाँ पर चूज फाइव में से जाके वहाँ पर पासपोर्ट फ़ोटो लगाना है और उसी तरह आपने यहाँ पर यहाँ पर सिग्नेचर अपने अपलोड आप करने हैं दोनों साइड में ठीक है जो आपका पासपोर्ट टाइप फ़ोटो होना चाहिए ट्वेंटी फोर अगस्त दो हज़ार तेईस से ऐसे मतलब कि ऐसा लिखा है इससे पहले होना चाहिए या इसके बाद का होना चाहिए आपका ठीक है ना और उसके बाद क्या है डिक्लेरेशन आपने पढ़ लेनी है ठीक से उसको आपने क्लिक कर देना है आई एग्री पे निशान पे क्लिक कर देना है उसके बाद आपने ये जो कैप्चा इसमें भर देना है और इसको यहाँ पर क्या करना है आपने सबमिट कर देना है प्रीव्यू में जाना है ठीक है उसके बाद जैसे स्पेसिफाइट फोटोग्राफ़ एक्सेप्टेबल कौन कौन से सैम्पल्स से से यहाँ पर दे रखे हैं तो इन सैम्पल्स को आपने देख लेना है कैसे आपने जो आपका होना चाहिए सैंपल ये होना चाहिए और ये सारे फोटोज़ नहीं चलेंगे जो नीचे वाले हैं आपके ठीक है दोस्तों ये एक भी फोटो आपका नहीं चलने वाला है आपका जो मेन फोटो जो चलेगा ये ये वाला चलेगा ठीक है यहाँ पर ठीक है ये कोई नहीं ऐसा कोई फ़ोटो यहाँ पर एक्सेप्टेबल नहीं है एक सर्विस अगर सर्विस जो आप सर्विस डिफेंस पर्सन हो तो आपको एनओसी के लिए ये वाला अपने अपने ऑफिस से यहाँ पर फॉर्म भर के फिल करके इसको एनओसी कमांडिंग अफसर के साइन करवाने ऑफिस से किसी यहाँ पर लगेगी ठीक है उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट में जाते हैं परफॉर्मा सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयड पर्सन के लिए दिया हुआ है तो यहाँ पर अलग अलग तरह के परफॉर्मा दिए हैं सारे आपने पढ़ लेने एस सी के लिए सर्टिफिकेट के लिए परफॉर्मा दिया है इसको भी आपने भरवा लेना अगर एस सी से बिलोंग करते हो ठीक है और यहाँ पर ये यह दिया हुआ है अप्लाई फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ तो इंडिया ठीक है ये सारे जो फॉर्म्स है इसमें आपको नीचे मिल जाएंगे पूरे और इसको आप बिक्र सेक्शन ई डब्ल्यू एस का तो भी आपको फॉर्म भरना पड़ेगा वो अटैचमेंट होगा वहाँ पर आपका तो ये सारे आपने साइन करवा लेने हैं और अपने पास रख लेने हैं और जितने भी स्टेट्स हैं उनके कोर्स यहाँ पर दिए हुए हैं ये आप स्टेट्स के कोर्स देख सकते हो ठीक है वो जो आपको भरना है यह इस यहाँ से कोर्स देख के आप भर सकते हो ठीक है दोस्तों सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो तो यार जरूर चैनल को और लोगों इस चैनल को जरूर लाइक कर दें शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर चैनल पर नए हो इसी तरह में के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप लोगों के लेके आता रहता हूँ और इसी तरह नेक्स्ट इफॉर्मेटिव वीडियो में साथ मिलूंगा दोस्तों तो आई होप वीडियो अच्छी लगी हुई तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दो शेयर कर दो और लोगों के साथ भी ताकि जुर्दमंद लोगों तक ये वीडियोज़ पहुँच सके ठीक है तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत